पर्यावरण संरक्षण के लिए नर्मदा सेवा यात्रा और पौधरोपण का रिकॉर्ड बनाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना वादा नहीं निभाया। इसके बाद लोगों ने आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह चौहान पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग नहीं है, वे सिर्फ बातें करते हैं। ये आरोप किसानों ने लगाए हैं। मामला पौधरोपण योजना का है। किसानों ने अपने खेतों और मेड़ों में पौधे तो लगा लिए, लेकिन सरकार ने उन्हें अब तक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। जबकि नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसानों को पैसे दिए जाएंगे, लेकिन अब ये किसान लाखों पौधों को खाड़कर फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं कहीं नहीं, एक रुपया नहीं मिला। पहले तो कलेक्टर साहब वगैरह सब आए थे मेरे खेत पे, ये हेलीपैड साइड में, तो हेलीपैड पे आए थे, बोले कि आप यार इसको बहुत अच्छे लगा रहे, इसको सही साठ लगाओ, आपकी राशि वगैरह सब मिलेगी। तो अभी तो कुछ भी नहीं मिली, थोड़ा दिन देखते हैं, नहीं तो फिर इसको बखर बुखरा गेहूँ बोंगे अपनों को क्या है, क्योंकि ये जमीन इतनी है खाएं क्या। अगर मान लो इसमें पौधा लगा लिया, अब खर्चा पानी क्या है खाने के लिए, बच्चे बच्चे का इस पाले, तो मैं तो इसको बखरूंगा, अब थोड़ा दिन देख रहा हूँ, नहीं तो बस बखर बुखरा के और गेहूँ चने बोऊंगा। मुख्यमंत्री की घोषणा से उत्साहित किसानों ने अपने अपने खेतों में आम, अमरूद, संतरा, मौसम्बी, सीताफल, बेर, नींबू, चीकू इत्यादि के पौधे रोपे थे। ये सभी किसान नर्मदा नदी के प्रभाव में आने वाले लगभग 16 जिलों के हैं। किसानों को पौधारोपण करने पर वित्तीय सहायता दी जानी थी, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी ये राशि किसानों को नहीं मिल पाई। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज के किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री की बातों में होकर हमने अपने खेतों में बड़े पैमाने पर फलदार पौधे लगाए हैं। पौधों को लगाने और संरक्षित करने में अभी तक अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं। इसके साथ ही खेत से कोई अन्य फसल का उत्पादन नहीं ले पाए हैं, जिसके कारण हमारे सामने आजीविका चलाने का संकट खड़ा हो गया। पहले तो बहुत अधिकारी आए, पौधे लगवा लो, बहुत खुशामद करी हमारी, घर घर गए, हमारे का आधार कार्ड लिए, वो पासबुक का खाता नंबर लिए, आपके खाते में पैसे जाएंगे, आप पौधे लगा लो। सीएम साहब आए, उस दिन तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ 50 लोग खड़े रहते थे खेत में, जल्दी लगाओ, जल्दी गड्ढे करो। और उसके बाद आप जिसको फोन लगाते हैं वही आला अधिकारी बोलते हैं बस हो रहा है काम, हो जाए। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।